जसपुर जिले का धुलधुला ब्लॉक से महज कुछ ही दूरी पर झारखंड की सीमा शुरू हो जाती है और झारखंड में धान का मूल्य कम होने के कारण बिचौलिए अपना धान झारखंड से लाकर कहीं न कहीं धान संग्रह करने में लगे हैं, ताकि धान की खरीदी 14 नवंबर से शुरू होते ही 2 नंबर का धान खपाने में सफल हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले जोहार छत्तीसगढ़ ने कुनकुरी के पंडरी पानी में ट्रक से भरा धान SDM कुनकुरी और तहसीलदार कुनकुरी के माध्यम से आपको बिचौलियों का धान दिखाया था। जी हां, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। ठीक उसी क्रम में बीती रात जोहार छत्तीसगढ़ को फोन आता है कि कुनकुरी विधानसभा के धुलधुला ब्लॉक के ठूठी अंबा ग्राम के सामुदायिक भवन में बिचौलियों द्वारा धान का भंडारण किया गया है। हमने इसकी जानकारी तत्काल SDM कुनकुरी और धुलधुला तहसीलदार को दी और सुबह सुबह ही हम तत्काल मौके पर पहुंच गए। हम खड़े हैं अभी जसपुर जिले के धुलधुला ग्राम पंचायत के ठूठी अंबा ग्राम में। जोहार छत्तीसगढ़ के पास कुछ दिनों से फोन आ रहा था लगातार कि ठूठी अंबा ग्राम के सामुदायिक भवन में बिचौलियों के द्वारा धान रखा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए हमने स्वयं आकर यहां पे देखा। हालांकि खिड़की से दिखता है अंदर धान तो भरा हुआ है। यहां के सरपंच भी आ गए हैं, यहां के SDM कुनकुरी से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि कुछ ही देर में तहसीलदार मौके पर पहुंचेंगे और पुष्ट करेंगे कि ये धान बिचौलियों का है या फिर किसानों। कुछ ही देर में मौके पर तहसीलदार धुलधुला और TI धुलधुला पहुंच गए। तहसीलदार कुनकुरी को संदिग्ध रूप से भंडारण किया, धान देखकर सामुदायिक भवन को सील करते हुए धान को जांच में रखा। नाम लिखे पिता का, पिता का नाम जैसे सूचना मिली थी कल शाम को भी और आज सुबह भी कि सामुदायिक भवन ठूठी अंबा में जो है सामुदायिक भवन में धान का भंडारण किया गया है, तो उसके संबंध में भी हम लोग जांच किए तो 373 बोरी धान पाया गया है। अब ये धान उनका कहना है कि इनका स्वयं का है, वो जांच का विषय है। जांच होने तक इसको जो है हम लोग अपने कस्टडी में रखते हैं। सर, धुलधुला एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जो कि झारखंड से लगा हुआ रहता है, लगता है क्या कि इस बार बिचौलिए अपने काम को अंजाम देने में सफल हो पाएंगे? नहीं नहीं, इस बार प्रशासन जो है जितना भी अवैध धान परिवहन होता है और मंडी में भी जो है जो धान खरीदी के समय पे गड़बड़ियां होती है उसको लेके एकदम स्ट्रिक्ट है, और इस बार जांच जो है प्रतिदिन मंडी में भी होगी और अवैध धान परिवहन उड़न दस्ता दल और जो चेक पोस्ट भी उसका भी टीम गठन हो गया है। धन्यवाद। आपने सुन ही लिया तहसीलदार धुलधुला की बात। मामले का कवरेज कर हम वापस आ ही रहे थे कि जोहार छत्तीसगढ़ के पास फिर से फोन आता है कि वहां से कुछ ही दूरी पर एक और सामुदायिक भवन में धान का भंडारण किया गया। फिर क्या था, जोहार छत्तीसगढ़ की टीम धुलधुला ब्लॉक के झगरी बहार ग्राम के लिए निकल गई। अभी जोहार छत्तीसगढ़ की टीम धुलधुला के एक ग्राम ठूठी अंबा ग्राम में सामुदायिक भवन में जो धान का भराव किया गया था, धान रखा गया था, उसके बाद वहां से कवरेज देकर जस्ट वापस ही जा रही थी कि तत्काल फोन आता है कि धुलधुला ब्लॉक के ही दो पंचायत के झगरी बहार ग्राम में भी जो सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक भवन है, उसमें भी बिचौलियों के द्वारा धान भरा गया है। आइए हम देखते हैं सामुदायिक केंद्र में धान भरा गया है या नहीं। ये अभी चूंकि धुलधुला ये कहीं न कहीं झारखंड से की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए कुछ दिनों से यहाँ पे धान को स्टॉक किया जा रहा है बिचौलियों के द्वारा और उसको अभी मंडी जैसे ही खुलते की कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग करके वो बिचौलिए काफी राशि धन एकत्रित करने में सफल हो जाएंगे। आइए हम दिखाते हैं धान कितना है। जी कैमरामैन से बोले धान को दिखाएं एक बार, ये सामुदायिक भवन में कितना धान भरा हुआ है और ये धान कहीं न कहीं किसानों को नुकसान ही पहुंचाएगा इस सामुदायिक भवन में। और ये धुलधुला ब्लॉक में कुछ ही घंटों में दूसरा सामुदायिक भवन है जहां पे धान का भराव किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बिचौलियों का है या किसान का है। अभी कुछ ही देर में यहाँ तहसीलदार पहुंचने वाले हैं, देखते हैं मामला क्या है। आपने देख ही लिया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को इस भवन का ताला तोड़कर देखना पड़ा, कारण कि भंडारण करने वाला चाबी लेकर भाग गया था।
ऑटोमेटिकल है साहब। आपने देख ही लिया कि बिचौलिया अपने गंदे मकसद में कामयाब हो पाते कि प्रशासन की नजर उन पर पड़ गई। ग्राम झगरी बहार में बिचौलियों द्वारा अवैध भंडारण किया गया था। यहाँ पे लगातार दूसरे सामुदायिक केंद्र में धान का भराव हुआ है। यहाँ पे कितनी बोरियां निकली है ये झगरी बहार? यहाँ 195 बोरी यहाँ भी निकली है सामुदायिक भवन में। अब क्या लगता है आपको कि ये धान किसान का होगा या बिचौलियों का हो सकता है? अभी भी जांच का विषय है, इसमें जांच करके हम लोग स्पष्ट रूप से बता पाएंगे बिचौली का किसान का है। बहरहाल आपने तो देख ही लिया कि धान खरीदी शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और बिचौली अपने गंदे मकसद को अंजाम देने के लिए कितना आतुर है। खड़े हैं अभी दुलदुला ब्लॉक के झगरी बहार ग्राम पंचायत में, जहाँ एक घंटे के अंदर दूसरा सामुदायिक केंद्र में कहीं न कहीं धान मिला है। और इस धान की जानकारी के लिए दुलदुला के तहसीलदार भी आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या हो सकता है ये धान के बारे में। जी सर, ये बताएं, ये धान दो दो सामुदायिक केंद्र में भरा हुआ मिल रहा है, कहीं न कहीं लगता है कि ये किसानों का ही होगा या बिचौलियों का होगा, प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? जैसे पहले इससे पहले मिला था अपना टूटी अम्बा में, वहाँ भी सामुदायिक केंद्र में मिला है और यहाँ भी सामुदायिक केंद्र में, तो अभी तो स्पष्ट कुछ कह नहीं सकता किसान का बिचौली का है। किसान का होता भी तो अपने घर में रख सकता था, जगह तो पर्याप्त रहता ही है। अब आज ही इसको जांच कराएंगे हम लोग, जिला से भी मंडी की टीम बुलाए हैं, हमारे RI रहेंगे, पटवारी रहेंगे, उनका खेत में जो कटा हुआ धान है और उसके अलावा जो खेत में भी नहीं कटा हुआ है उन सबको रकबा निकालेंगे और औसत 14 क्विंटल के हिसाब से जैसा जसपुर में उत्पादन होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका स्वयं का धान है या फिर बाहर से लाया हुआ है। कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विधानसभा आता है, इसलिए प्रशासन भी बहुत अलर्ट है। देखने वाली बात होगी कि इस बार बिचौलिए कामयाब हो पाएंगे या प्रशासन अपनी अलर्टता के कारण कहीं न कहीं किसानों को फायदा पहुंचाने में कामयाब होगा। जसपुर ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।